जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर अब हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास, लेते हैं पहला ही क्वेश्चन भाई, जो कि चर्चा में आपका जल ही जीवन है। सुना आप लोगों ने तो जल संरक्षण अभियान आपका चर्चा में भी, ये चर्चा में क्यों है तो पूरे देश का जो भूमि जल स्तर है वो क्या, और अभी आपका लगातार कम हो रहा है इसलिए चर्चा में है। और ये सूचना किसने दी, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा, केंद्रीय जो भूमि जल बोर्ड है, भूमि जल बोर्ड ने यह सूचना दी है कि पूरे देश का क्या भाई आपका जो भूमि का जो जल स्तर है वो डाउन हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या बताया इसने, शहरीकरण, अत्यधिक शहरीकरण हो रहा है, ठीक है। साथ में ताजा पानी की जो मांग है ये मांग बढ़ रही है भाई, ठीक है, ये भी इसके पीछे कारण है। भूमि जल स्तर यानी कि पहले क्या होता था, अगर हम बात करते हैं जैसे हम यहां से जमीन से जुड़ी बात करूं मैं, तो जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे हमें 80-85 फुट के ऊपर पानी मिल जाता था पीने का, लेकिन आज वही पानी आपका 200 फुट तक भी नहीं मिलता, ठीक है। ताजा पानी होगा भाई आपका, वन का कम होना। अब आप सोच रहे होंगे सर वन का कम होने से मतलब क्या है, तो वन का कम होने से मतलब ये है कि वर्षा कम होगी, तो यानी कि वर्षा का कम होना भी भूमि जल स्तर का एक कारण है, कम होने का कारण है। और अभी हाल ही में केंद्रीय जो भूमि जल बोर्ड है उसने इस बात को क्या किया, उजागर किया है। इसने इस बात की सूचना दी है कि सभी जिले लगभग पूरे देश के अंदर है, लगभग पूरे देश में कुछ जगहों को अगर हम छोड़ दें, ऐसी भी बात नहीं कहीं कहीं तो आपका जल स्तर बहुत ज्यादा ऊपर भी है, लेकिन लगभग हम बात करते हैं तो देश में आपका जो भूमि जल स्तर है आपका गिर रहा है भाई। चलिए भाई अब बात करते हैं आपका जल शक्ति अभियान। हालांकि केंद्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, केंद्र गवर्नमेंट की अगर मैं कुछ योजनाओं की बात करूं जो जल को लेकर के योजनाएं आपकी यहां पे लिख सकते हैं आप, जल को लेकर के लेकर जो योजनाएं हैं, लेकर योजनाएं अलग अलग योजनाएं हैं उनकी मैं यहां पर बात करता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें 2019 के अंदर आपका, 2019 में केंद्र की योजना थी कौन सी थी भाई आपकी, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति सीधा पूछेगा, जल शक्ति जो अभियान है, शक्ति अभियान, अभियान ये कब चलाया गया आपका, तो 2019 के अंदर जल शक्ति अभियान चलाया गया, इसका संबंध भी जल से ही। दूसरी बात हम यहां पर करते हैं अटल जल आपका, अटल भूजल योजना भी सरकार द्वारा चलाई गई, अटल भूजल योजना ये भी आपकी किसके द्वारा, भूजल योजना भी आपकी भूमि के जल स्तर से संबंधित है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो केंद्र ने जल स्तर को रोकने के लिए क्या किया, पहले एक योजना चलाई 2019 जल शक्ति अभियान चलाया गया है, साथ में अटल भूजल योजना भी चलाई गई है। अब अलग अलग राज्य जो है, अलग अलग राज्यों ने भी कुछ अपने लिए किया है इसमें देखेंगे। चलिए आपका मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना भी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो योजना है ये योजना कहां से संबंध रखती है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो आरएजे राजस्थान से है, ठीक है भाई। अगली बात यहां पर आती है आपका जलयुक्त सीवर योजना भी, जलयुक्त सीवर योजना ये कहां की है, जलयुक्त सीवर योजना ये कहां की आपकी, महाराष्ट्र की भाई, ये कहां की आपकी, महाराष्ट्र के। अगला पॉइंट भाई यहां पे दिख रहा हूं, चलिए सुजलाम सुफलाम अभियान, सुजलाम सुफलाम ये कहां का है, तो ये गुजरात का है, कहां का है, गुजरात का है, ठीक है। अगली बात करते हैं मिशन काकतीय, इसका संबंध कहां से भाई आपका, मिशन काकतीय तो ये भी कहां से आपका, ये आपका तेलंगाना से भाई, तेलंगाना से इसका संबंध है मिशन काकतीय का। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नीरू चेट्टू, एपी का अगर मैं बात करूं एपी, तो नीरू चेट्टू का संबंध भी कहां से आपका, तो ये आंध्र प्रदेश से है। जल जीवन हरियाली ये कहां से भाई आपका, तो जल जीवन जो हरियाली है, हरियाली इसका संबंध कहां से है, तो ये बिहार से है भाई, कहां से है, बिहार से है। और जल ही जीवन है ये कहां का भाई आपका, जल ही जीवन है इसका संबंध कहां से आपका, तो हरियाणा से है, ठीक है भाई। एक बार रिवाइज कराता हूं, देखिए हमने बात करी जल संरक्षण अभियान की, अभी हाल ही में केंद्रीय भूमि जल जो बोर्ड है उसने क्या घोषणा करी है कि देश का लगभग जल स्तर हो क्या डाउन होता जा रहा है आपका, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2019 में जल शक्ति अभियान चलाया गया था, अटल भूजल योजना यहां पर इन्होंने चलाई थी, ठीक है। कारण की बात करी इसने क्या बोला, अत्यधिक शहरीकरण के कारण, ताजा पानी के मांग के कारण, जनसंख्या कह सकते हो आप, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपका पानी की मांग रहेगी ताजा की, वनों का कम होना या वर्षा का कम होना भी भूमि जल स्तर का क्या है, गिरने का कारण बताया गया। अब आती है अलग, जैसे सीएम जल स्वावलंबन योजना कहां की आपकी, राजस्थान की है, ये भी याद रखना। जलयुक्त सीवर योजना आपकी महाराष्ट्र की है। जल जीवन हरियाली आपकी कहां की, बिहार की है। और जल ही जीवन हरियाणा का है भाई, ठीक है, ओके। सुजलाम सुफलाम आपकी गुजरात की है। मिशन काकतीय ये आप पूछे तो तेलंगाना है आपका। और आंध्र प्रदेश की क्या है, नेहरू चेट्टू क्या है आंध्र प्रदेश की, ये सभी के सभी किससे संबंध रखते हैं, आपकी भूमि जल स्तर से संबंध रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपसे
पूछा जा सकता है। ये था आपका जल, और जल को भाई सेव करो, जल ही जीवन है, इसमें कोई शक नहीं है, जल ही जीवन है, ये कहां बोला गया है, तो हरियाणा के अंदर, तो ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। ठीक है भाई, थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा स्पीड कम ज्यादा करके जैसे आपको कंफर्ट हो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा सीआरटी का स्थापना दिवस मनाया गया, अभी हाल ही में चर्चा में था आपका क्वेश्चन नंबर दो भाई, आपका सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, का स्थापना दिवस दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया, ये चर्चा में भाई। स्थापना दिवस की बात करते हैं, देखिए किसकी बात हो रही है आपका सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस, पुलिस केंद्रीय रिजर्व आपका पुलिस फोर्स है, ये आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलिए सीआरपीएफ की बात करते हैं। तो 27 जुलाई 1939 को क्या था भाई, ये अस्तित्व में आया था, 27/7/1939 को क्या अस्तित्व में यानी कि अंग्रेजों के सामने ये अस्तित्व में आ गया था आपका, कब 27 जुलाई को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन सा आपका ये बर्थडे मना रहा है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो 83वां कह सकते हो आप इसको, 27 जुलाई 1939 की बात करते हैं तो 83वां ये कह सकते हैं अपना स्थापना दिवस यहाँ पर मना रहा है 1939। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका सीआरपीएफ की, अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर भाई आपका, ये दिल्ली के अंदर है हेडक्वार्टर। साथ में हम बात करते हैं इसका मोटो क्या है, तो ये सर्विस एंड लॉयल्टी, मोटो क्या है इसका, सर्विस एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी इसका क्या है, लॉयल्टी इसका मोटो है। कि सीआरपीएफ किस किस मंत्रालय के, तो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस आप पुलिस फोर्स कह सकते हो, किस मंत्रालय के अंदर, गृह मंत्रालय भाई, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। एक क्वेश्चन देके जाऊंगा तुम्हारे को, गृह मंत्रालय की बात करें तो मंत्री तो आपको पता है कौन है, अमित शाह है, कैबिनेट मंत्री कौन है, अमित शाह है। ठीक है, अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय नया, एक सहकारिता, सहकारिता मंत्रालय भी किसके पास है, जो सबसे नया है ये अमित शाह के पास है, लेकिन मुझे चाहिए राज्य गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री कौन है, कौन है कमेंट्स करके बताएंगे, बड़ा ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। राज्य गृह मंत्री कौन है, जो कि राज्य गृह मंत्री किसकी मदद करेंगे, तो आपके कैबिनेट मंत्री जो अमित शाह उसकी मदद करेंगे, उनकी मदद के लिए एक मंत्री बनाया गया राज्य गृह मंत्री, तो ये वर्तमान में कौन है। सर्विस एंड लॉयल्टी इसका क्या भाई, सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। साथ ही हम बात करें इसके डायरेक्टर जो है वो कौन है, कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह, कुलदीप जो सिंह है ये इसके क्या है, डायरेक्टर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और मनाया कब गया है आपका, 27 जुलाई को, यानी कि कल आपका सीआरपीएफ दिवस मनाया गया है, और सबसे बड़े दलों में इसकी गिनती होती है, और बड़े ही कह सकते हैं हम ये इसने बहुत ओजस्वी पूर्ण कार्य कर रखे हैं, अपने प्राणों की आहुति देकर के इसने देश की कह सकते हैं रक्षा कर रखी, काफी बार बॉर्डर के ऊपर भी, जब तक बीएसएफ नहीं थी उससे पहले आपके बॉर्डर की सुरक्षा का काम लगभग सीआरपीएफ के द्वारा ही किया जाता था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और वैसे सीआरपीएफ अभी झूल रही है बीच में कि इसको रक्षा मंत्रालय के तहत लिया जाए या गृह मंत्रालय में रखा जाए इसको। ठीक है, चलिए ये भी एक इशू है, अभी आने वाले समय में देखो क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2025 में जो चर्चा में, 2025 में भारत भारत किस किस वर्ल्ड वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, मेजबानी करेगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, भारत किस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, ये बड़ा अच्छा शानदार क्वेश्चन है 2025 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2025 में भारत किसकी मेजबानी करेगा, तो ये महिला भाई आपका, महिला जो विश्व कप है, महिला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा आपका, भारत करेगा 2025 के अंदर में। ठीक है, 2025 में आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आपको पता है क्या है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आपकी, ये क्या है आपकी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां है इसका, सऊदी अरब के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर कहां इसका हेडक्वार्टर है। और ग्रेग बारकले क्या है इसकी, वर्तमान में आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कौन है, ग्रेग बारकले भाई, अध्यक्ष पूछे इसके तो कौन है, ग्रेग बारकले क्या है इसके अध्यक्ष है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो जियो साहब क्या है इसके, जियो याद रख लेना भाई, जियो अलर्ट है जो आपके ये क्या है उपाध्यक्ष हैं, अगर पूछे उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष आपके यही है भाई। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की। अगर बात करें महिलाओं के आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं भारत की थोड़ी सी। तो भारत ने अब तक कितने, पुरुषों की बात करूं तो मैं, भारत ने अब तक कितने दो वर्ल्ड कप जीते हैं, में दो वर्ल्ड कप जीते हैं, एक कप जीता है 1983 के अंदर, दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता है, दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता है, ये भी तुम्हारे लिए शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अभी महिलाओं का क्या, आईपीएल भी शुरू होने वाला है, मिताली राज की बात करें तो इसका संबंध भी महिलाओं से है, और भी आपकी जो बहुत सारी जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट समय के अभाव के कारण सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता नहीं सकता, बट इतना ध्यान रखेंगे 2025 में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका मेजबानी कर रहे हैं। एक हॉकी वर्ल्ड कप की भी मेजबानी कर रहे हैं, हॉकी वर्ल्ड कप की, हॉकी जो वर्ल्ड कप है, इस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो ये भी भारत कर रहा है आपका भाई, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि हॉकी वर्ल्ड कप हो कब रहा है, हो कब रहा है, ये जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मेजबानी की बात करें तो कौन, एमपी, एमपी में आपका कौन सा भाई, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर सॉरी, एमपी में आपका कौन सा कर रहा है भाई आपका, देखिए भुवनेश्वर कहीं और पहुंच गया मैं, एमपी में क्या कर रहा है, कौन सा कर रहा है भाई आपका। एक तो मैं बात करूं आपका जो कौन सा हुआ आपका, राउरकेला स्टेडियम जो है, राउरकेला, राउरकेला कहां पर है एमपी ने, राउरकेला जो स्टेडियम है, राउरकेला स्टेडियम इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। आपको पता है सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का कहां पर है, तो यहीं पर है आपका। और एक आपका उड़ीसा के अंदर है वो जो भुवनेश्वर, हाँ एमपी नहीं है भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर जो आपको उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर आपका कलिंग, कलिंग जो है आपका, कलिंग जो स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम में भी ये हॉकी के मैच होंगे, तो दोनों के दोनों मिलकर के, यानी कि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की राजधानी क्या है तो भुवनेश्वर है, तो कलिंग जो स्टेडियम है यहाँ पर भी आपका हॉकी का जो वर्ल्ड कप रहेगा सबसे मेजबानी करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा राउरकेला के अंदर 20,000 लोगों की क्षमता के साथ यहाँ पर जो स्टेडियम है वो भी इसका क्या है, दोनों मिलकर के इसकी भी मेजबानी भारत करने वाला है, ये भी आपके बीच में। एक शतरंज जो कप हो रहा है आपका, शतरंज के कप की भी मेजबानी कौन कर रहा है आपका, भारत कर रहा है, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने, अच्छा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने, किस राज्य ने, किस राज्य ने महिला सहकारिता बैंक स्थापित करने की बात कही है, महिला, महिला सहकारी बैंक स्थापित करने की बात कही है, तो किसके, किसके द्वारा। देखिए इससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो महिला सहकारिता बैंक था जो कहां था आपका, तेलंगाना के अंदर था। अब कौन सा राज्य जो कि चर्चा के अंदर है, तो राजस्थान अभी क्या कर रहा है भाई आपका, महिला सहकारिता बैंक की स्थापना कौन कर रहा, महिला सहकारिता बैंक स्थापित करने की बात कौन कर रहा है आपका, राजस्थान में, राजस्थान क्या कर रहा है महिला, और इसके लिए इसने किसके साथ समझौता किया, राजस्थान ने तेलंगाना, तेलंगाना के साथ क्या किया, तेलंगाना के साथ है समझौता किया है, समझौता किसके साथ किया है, तो तेलंगाना के साथ इसने क्या किया, समझौता किया है। स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ किसके साथ किया तेलंगाना का, तो यह आपका स्त्री निधि क्रेडिट क्रेडिट सहकारी संघ, क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया है, ठीक है। स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ, चूंकि आपका कहां, तेलंगाना का, और किसने इसके साथ समझौता किया, तो राजस्थान ने इसके साथ क्या किया है, समझौता किया, याद रखेंगे, ठीक है नहीं? ओके, उद्देश्य क्या है, स्त्री मॉडल के तौर पर राजस्थान में, देखिए उद्देश्य अगर हम बात करें उद्देश्य, तो तेलंगाना की तर्ज पर, तेलंगाना की तर्ज पर क्या करना भाई, तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान के अंदर महिलाओं द्वारा संचालित बैंक की स्थापना करना, महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा संचालित जो बैंक है, संचालित जो बैंक है उसकी स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना ने पहले कर रखा है और अभी राजस्थान ने आपका किसके साथ है, तो स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी जो संघ है तेलंगाना का उसके साथ एक समझौता किया, उसी की तर्ज पर महिलाओं के द्वारा संचालित एक बैंक आपका, यानी कि महिलाओं को सुविधा देने के लिए एक बैंक की स्थापना यहाँ पर है की जाएगी, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जब तेलंगाना आया है, तेलंगाना की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना तेलंगाना, तेलंगाना आपका हैदराबाद, हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं हैदराबाद
क्षेत्र से, यानी कि नवाब के क्षेत्र से, हैदराबाद के क्षेत्र से निकाल, यानी कि वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी की भी बात करेंगे तो कैपिटल भी अगर मैं बात करता हूं तो यही है। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र है, पहले तो भाषा ले लो इसकी, तो तेलुगु भाषा, तेलुगु जो भाषा है वो कहां पर बोली जाती है, आपके तेलंगाना के अंदर बोली जाती है, राजधानी की बात करें तो हैदराबाद। और आपको पता है निजाम जो हैदराबाद है इसे कब भारत के अंदर, तो 1948 में इसे भारत के अंदर शामिल किया गया था। शामिल किया गया था किसके द्वारा भाई, ऑपरेशन पुलिस ऑपरेशन के द्वारा, पुलिस जो ऑपरेशन है पुलिस ऑपरेशन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा, कब, 1948 में। अब बात आती है कि तेलंगाना कब बना था आपका, तो तेलंगाना बना आपका 2 जून 2014 के अंदर आपका तेलंगाना बना है 2014 के अंदर, आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है, 2014 में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कोई राज्य नहीं बना अभी, कोई राज्य नहीं बना। अगर आपसे पूछे 2014 के बाद राज्य में कोई परिवर्तन हुआ है, तो यस, हाँ भी कह सकते हैं राज्य के अंदर परिवर्तन हुआ आपका, आपका 2019 में क्या हुआ आपका, 2019 में एक राज्य को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर 2 UT बनाया गया, आपकी यूनियन टेरिटरी। आप समझ गए मेरी बात, कहां भी बोलो मैं तो J&K के अंदर। तो आपका तेलंगाना, तेलंगाना की भाषा की बात करें तो आपको पता है तेलंगाना की भाषा क्या है, तेलुगु है। 1948 में इस क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल किया गया था, 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया, सबसे यंग राज्य है। अब यहाँ पर बात आती है तेलंगाना विधानसभा की, अगर विधानमंडल की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तेलंगाना विधानमंडल, तेलंगाना विधानमंडल की बात करें तो किस प्रकार का आपका द्विसदनीय है, यानी कि 2 सदन है, ठीक है, 2 सदनों में, यानी कि एक विधानसभा है आपकी और एक विधान क्या आपका विधान परिषद है। तो विधानसभा की सीटें कितनी है, विधान परिषद की सीटें कितनी है, ये जरूर आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। तो विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आपकी 119 सीटें हैं, विधानसभा की 119 है, विधान परिषद की आपकी 40 सीटें हैं, लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं तो 17 सीटें हैं, राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूं तो 7 सीटें, ये पॉलिटिकल यहां पर आपका जो कह सकते हो डाटा है, ठीक है। सीएम कौन है, के चंद्रशेखरन यहाँ के सीएम है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जिसने किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल स्लो स्पीड के अंदर आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके बीच में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में सिंह जो जानवर है आपका, सिंह जो है वो आपका चर्चा में, तो इस सिंह जानवर चर्चा में क्यों है, ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है सिंह चर्चा में क्यों है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपका सिंह चर्चा में है, ये सिंह चर्चा में क्यों है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में सिंह चर्चा में है, सिंह की अगर मैं बात करता हूं जिसका संबंध खेलों से, आप बोलोगे सर शेर का संबंध खेलों से कहां से आ गया भाई, सिंह आपका जो शेर है इसका, ये अभी हाल ही में इसे लोगों में जारी किया गया, तो किसके लोगों में जारी किया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। देखिए आपको पता गुजरात में 27 सितंबर, यानी कि कल से 27 सितंबर से आपका 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आपके एक खेल हो रहे हैं, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कौन से आपके एक खेल हो रहे हैं, कौन से राष्ट्रीय खेल, कौन से भाई आपके राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, याद रखना है राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं आपके कहां पर, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 2022 की बात हो रही है भाई आपकी, ये 2027 यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 10 अक्टूबर तक आपके खेल चलेंगे। तो इस बार पूछेगा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है आपका, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की अगर मैं बात करता हूं तो मेजबानी कौन कर रहा है आपका, तो 2-3 स्टेट आपके हाईलाइटेड है, तो गुजरात भाई आपका, गुजरात क्या कर रहा है, इन खेलों की मेजबानी कर रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन से नंबर के खेल हो रहे हैं आपके, राष्ट्रीय खेल कौन से नंबर के हो रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके 36वें नंबर के भाई ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, 36वें जो नंबर है आपका नंबर के राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, ये भी याद रखेंगे। और राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर के हो रहे हैं, इससे पहले अंतिम संस्करण कब किया गया था, यानी कि 35वां संस्करण कब क्या कहा किया गया था इनका, तो 35वां जो संस्करण था यानी कि अंतिम संस्करण कहां पर हुआ था इनका, तो केरल के अंदर हुआ था, केरल में हुआ था कब भाई, 2015 के अंदर, ठीक है, केरल में हुआ था राष्ट्रीय खेलों का, तो 2015 के अंदर हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अब सिंह चर्चा में क्यों है, इसे जो राष्ट्रीय खेल है आपके, राष्ट्रीय जो खेल है, राष्ट्रीय खेलों के लोगों में जारी किया गया है, क्या किसमें लगाया गया है, इसे लोगों में इसे रखा गया है, ठीक है। चलो भाई अगली बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो गुजरात के 6 शहरों में सबसे पहले बात करें तो गुजरात के गुजरात
कि इसे, हाँ ये जरूर लिखना, लोगों में लगाया गया है, याद रखेंगे इसको, लोगों, जो खेलों का लोगो, ठीक है। गुजरात के कितने शहरों में, 6 शहरों में हो रहा है, ठीक है। इस साल, इस वर्ष क्या क्या, आपका मलखम, मलखम वे योगासन जो खेल है, योगा को शामिल किया गया है। कौन से दो नए खेल सीधा पूछेगा, तो मलखम में योगा को इसके अंदर शामिल किया गया है। गुजरात के 6 शहरों में ये हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल। उद्घाटन किसने आपका कहां पर, तो नरेंद्र मोदी जो मोदी स्टेडियम के अंदर, मोदी स्टेडियम, स्टेडियम ये इनका क्या किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। प्रतीक लोगों में क्या क्या आपका, तो प्रतीक लोगों की मैं बात करूं, प्रतीक जो लोगों है, इस लोगों में किसको शामिल किया गया, तो शेर को, सिंह को, सिंह प्लस आपका जो सरदार पटेल की जो मूर्ति है, सरदार जो पटेल साहब की, पटेल की जो यूनिटी आपकी जो मूर्ति है, यूनिटी ऑफ स्टेचू जो है आपका, तो इसको भी शामिल किया गया है, याद रखेंगे। तो शेर आपका कहां पर शामिल किया गया है, 36वीं राष्ट्रीय जो आपके खेल है इनके अंदर शामिल किया गया है। लोगो आपका शेर और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है कहां पर, साधुबेट द्वीप के ऊपर, गुजरात के अंदर है, ठीक है। मलखम और आपका योगा इसके अंदर शामिल किया गया, 36वें नंबर के हो रहे हैं आपके, कहां से कहां तक, 27 सितंबर 2000 आपका 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 तक आपके चलने वाले हैं। मेजबानी गुजरात का, 36, 35 और लास्ट संस्करण कहां पर आपका केरल के अंदर हुआ था, कब, 2015 के अंदर हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। उद्घाटन की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका कहां पर है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आपका गुजरात के अंदर, यहाँ पे ये उद्घाटन किया जा रहा है। प्रतीक लोगों के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 भाई, जो कि आपका चर्चा के अंदर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका यू एंड रा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यू एंड रा चर्चा में है, ये क्या है, ये क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपका, ये कैसा क्वेश्चन आपका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूएन रा चर्चा में है क्यों, ये आपको सबसे पहले जैसे यूएन लग गया तो इसका मतलब आपको पता है संयुक्त राष्ट्र की इकाई है, ये तो इतना तो आप समझ लीजिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की इकाई है, इसका संबंध कैसे है, क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां से बन जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके ऊपर, कौन मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन रिलीफ, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिलीजीज इन द नियरेस्ट रिलीजीज रेफ्यूजी सॉरी भाई रेफ्यूजी इन द नियर ईस्ट। सीधी सी बात करें, इसका जो संबंध है वो किससे, जो आपके रेफ्यूजी हैं, रेफ्यूजी बोले तो शरणार्थियों से संबंधित है, यूएन से संबंधित है, फिलीपींस वगैरह से संबंधित है, तो उसको लेकर के यहाँ पर ये आपका चर्चा में। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी रेफ्यूजी से संबंधित है, यूएन आपका क्या है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, ये आपका क्या है भाई, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये है कहां पर, इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर है भाई आपका, ये अम्मान और गाजा, और गाजा जो पट्टी आप लोगों ने सुनी है वहां से इसका संबंध है इसका, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जॉर्डन और गाजा, हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो जॉर्डन आपका, जॉर्डन और गाजा, गाजा जो फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीनी अथॉरिटी में क्या है, अथॉरिटी में इसका हेडक्वार्टर है,
जॉर्डन गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। जॉर्डन और गाजा फिलिस्तीन अथॉरिटी में इसका क्या हेडक्वार्टर है। अब चलो ठीक है, ये तो ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये वो संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो शरणार्थियों की क्या करती है, मदद करती है, पैसा देकर के उनको वापस बसाने के उनके विकास के लिए कार्य करती है। ये आप इतना समझ लें इस बात को, ठीक है। ओके, हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ इस संस्था की, इसका संबंध किससे, यूएन से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आपकी कह सकते हो संस्था है। हेडक्वार्टर जॉर्डन गाजा फिलिस्तीन जो अथॉरिटी है वहां पर इसका क्या है हेडक्वार्टर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्थापना की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना 1949 में हुई, 1949 में क्या है इसकी स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को अभी हाल ही में चर्चा में की हुई, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी है आपकी राष्ट्र एजेंसी, इस एजेंसी को क्या किया है भारत ने अभी फिलहाल 2.5 मिलियन जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर की क्या करी है, मदद करी है, मदद करी है लोगों के विकास के लिए, रेफ्यूजी के विकास के, लोगों के विकास के लिए क्या किया है, विकास के लिए मदद करी है। कितने रुपए की मदद करी है, तो 2.5 मिलियन डॉलर की मदद करी है, रुपए की नहीं, डॉलर की मदद करी है। फिलहाल वर्तमान 2022 में पूछेगा सीधा सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कितना दान दिया है भारत ने, तो 2.5 मिलियन। और यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना नोट, इसी एजेंसी को, संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी आपकी, इस एजेंसी को, इसको 2018 में, कब भाई 2018 में भारत ने 20 मिलियन जो डॉलर है, मिलियन 20 मिलियन, अभी तो 2.5 डॉलर दिए हैं, 20 मिलियन डॉलर आपके कहां पर है 2018 के अंदर दिए हैं, ये भी याद रखेंगे भाई, ठीक है। किसके लिए, शरणार्थियों के विकास के लिए, तो इसलिए ये आपका चर्चा में था। 2018 में काफी अच्छा योगदान दिया, फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और मानव विकास कार्य, किसके लिए, फिलिस्तीनी जो शरणार्थी है इनके राहत विकास विकास मानवीय कार्य के लिए, ठीक है, इसलिए ये आपका चर्चा में है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मानव के लिए मदद करिए मानव के लिए, और वैसे भी भारत तो भाई हेल्पफुल देश ही है, यहाँ पर हमारा तो यही सोचना होता है कि सारी दुनिया क्या रहे, सुख में रहे, वसुदेव कुटुंबकम के नाम से के आधार पर चलने वाला देश है भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो ये भी आपका जॉर्डन के अंदर गाजा फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंदर इसका जो रिलीफ फंड है, इसका क्या हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है। 2018 में हमने 20 जो मिलियन डॉलर दिए थे 2018 में, अभी 2.5 डॉलर यहाँ पर हमने क्या दिए हैं, यूएस डॉलर मदद के रूप में दिए हैं शरणार्थियों को वापस विस्थापित करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनको एक किस्म से कह सकते हैं मानवीय सहायता के तौर पर यहाँ हमने दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भाई आपका 8 है, ये है आपका इंदरमीत गिल चर्चा में है, गिल साहब क्या है, गिल चर्चा में है, ये कौन है भाई, इंदरमीत गिल की अगर मैं बात करूं तो ये चर्चा में है हाल ही में, अभी ही नहीं, किसने, किसके द्वारा भाई, डब्ल्यू बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इन्हें मुख्य आपका कह सकते हैं क्या 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 बनाया इसे, चलिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, डब्ल्यू बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इन्हें मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को क्या किया, विकास अर्थशास्त्री का मुख्य अर्थशास्त्री, किसका भी विकास अर्थ जो शास्त्री है, अर्थशास्त्री, विकास अर्थशास्त्री का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया, शास्त्री का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया, अर्थशास्त्री बनाया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाएगा। और ऐसा करने वाले, ऐसा वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ऐसा इस पद पर पहुंचने वाले, इस पद पर पहुंचने वाले कौन से नंबर के हैं, दूसरे नंबर के हैं भाई, दूसरे नंबर के हैं, तो फिर पहले नंबर पर कौन थे, पहले कौन थे, कौन पहुंचे थे आपके, तो कौशिक बसु भाई, इससे पहले कौन थे आपके, कौशिक जो बसु हैं, कौशिक बसु साहब इस पद पर पहुंचे थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो एक वित्तीय संस्थान है वर्ल्ड बैंक की, अगर मैं बात करता हूं तो किसको, ये मध्यम बैंक, निम्न जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अर्थव्यवस्था वाले देशों को क्या देता है, ऋण का काम करता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक। स्थापना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की 1944 के अंदर इसकी क्या हुई स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भी, तो आपके डेविड मालपस क्या है, इसके मालपस अध्यक्ष हैं, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9।
तमिलनाडु चर्चा में भाई आपका, तमिलनाडु चर्चा में है, क्यों है तमिलनाडु? सीधा सा क्वेश्चन की बात करेंगे, तमिलनाडु आपका चर्चा में, चर्चा में इसलिए अभी हाल ही में भारत की 5 स्थानों को क्या रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया है। तमिलनाडु की बात करता हूं तो तमिलनाडु में कितने भाई आपके, देखिए चलिए, भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया है, 5 आर्द्र भूमि किसके द्वारा, भारत ने 5 आर्द्र भूमि के लिए नामित किया है, यानी कि 5 आर्द्र भूमियों को शामिल किया जो कि अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन से भी आपके, पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट को इस रामसर साइट के अंदर शामिल किया, नंबर वन। दूसरा कौन आपका भाई, पिचवरम मैग्रोव। तीसरा कौन सा आपका भाई, आपका करी किली पक्षी अभयारण्य, करी किली पक्षी जो अभयारण्य है, अभयारण्य को इसके अंदर शामिल किया है, ठीक है। एक साइड कौन सी आपका, एक जगह कौन सी मिजोरम की है, मिजोरम की कौन सी है भाई, पाला आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक है एमपी की भैया आपकी, एमपी की क्या है, शांख्य सागर, इनको शामिल किया गया। तो सीधी सी बात करें आपके रामसर साइट में कितने स्थान को शामिल किया, अभी हाल ही में नामित किया है, तो 5 आपके, तो 5 आर्द्र भूमि की अगर मैं बात करता हूं तो 5 आर्द्र भूमि जिसमें से 3 कौन सी आपकी, पल्ली करनई आपका जो मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है ये आपका कहां, तमिलनाडु के अंदर है, पिचवर्म मैग्रो ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है, करी किलप पक्षी अभयारण्य ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद 2 आपके अलग अलग हैं, एक मिजोरम में कौन सा आपका, पाला आर्द्र भूमि है, और साथ में एमपी की बात करें तो शांख्य सागर ये भी आपकी क्या है, यहां पे शामिल की गई है। अब तक अगर मैं भारत के अंदर रामसर साइटों की बात करता हूं तो कितनी थी, 449 थी, अब 5 इसके अंदर प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएंगे आपकी, 54 हो जाएंगे। ये अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती है भैया, सारी की सारी साइट आपकी क्या रखती है, अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती है, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे ले लेते हैं जल्दी से, अभी हाल ही में पर्यटन नीति किसके द्वारा जारी की गई, क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, यहाँ पे ले लेते हैं, पर्यटन नीति भैया आपका, पर्यटन नीति किसने जारी करी है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पर्यटन नीति की बात करता हूं तो झारखंड के द्वारा भाई, किसने जारी करी है, झारखंड ने क्या क्या पर्यटन नीति जारी करी है, यानी कि पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए, किसको भी, पर्यटन को उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य यही हो जाएगा, पर्यटन को पुनः जीवित करने के लिए कह सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति जारी करी है, किसके द्वारा, तो झारखंड पर्यटन के, किसने भाई आपके, सीएम कौन है इनके, सीएम हेमंत जो है, हेमंत सोरेन ने इसको जारी किया है, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी हाल ही में आपका एक और क्वेश्चन बन जाएगा, 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के अभी बोली लगी है, उसके ऊपर हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। अगर किसी का कोई इशू होता है तो आप कमेंट्स करके या किसी भी प्रकार से आप अपना इशू रख सकते हैं, जरूर आपके इशू के ऊपर बातचीत होगी और देखा जाएगा, ठीक है। चलिए जय हिंद।